So, तो हेलो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है मिलता है फुटबॉल से है, ट्रांस्फर ट्रांस्फर तो, का किस के? तो जो सबसे पहला है वो रहा, एफ सी गोवा ट्रेनिंग ग्राउंड को लेकर जो होगा ट्रेनिंग ग्राउंड है ये मतलब कंफर्म नहीं है बट चांसेस लग रहा है कि यही नया ट्रेनिंग ग्राउंड होगा एफ सी गोवा का बिकॉज ऑफ कोविड नाइनटीन और जो नेक्स्ट न्यूज अहमद जोहू को लेकर जोह मुंबई सिटी एफ सी में कन्फर्मड है जी हाँ अहमद जोहू मुंबई कंफर्म और ऐसा ही न्यूज निकल के आया है और आप कंफर्म समझ सकते हैं जो मुंबई सी एफ सी में बहुत ही अच्छा साइनिंग में बोलू मुंबई सी एफ सी की तरफ से क्योंकि जब, सिटी जब से सिटी ग्रुप ने ज्वाइन किया है मुंबई सी एफ सी को तब से मुंबई सी एफ सी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को खरीद रहे हैं बट देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस कैसा रहता है आई एस एल में सो so, जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है और लाल रेंथली को रखे सो so, ये एक्चुअली चेन्नई का प्लेयर है जो कि जमशेदपुर एफ सी में ज्वाइन किया है लाल लियाना रेंथली सो so, अच्छा प्लेयर है परफॉर्मेंस ठीक ठाक है अभी तक उतना मौका मिला नहीं है बट हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसा खेलते हैं ये प्लेयर जमशेदपुर एफ सी में जाके सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है आई लीग के नए क्लब को रखे सो लास्ट मतलब कल मैंने बोला था आ, बोला था कि सुदेवा एफसी आई लीग में आ सकते जो दूसरा क्लब का जो नाम निकल गया है वो होगा बेंगलुरु क्योंकि बेंगलुरु अभी तो आईएसएल में खेल रहे है और बेंगलुरु का कोई क्लब है नहीं आई लीग में तो बेंगलुरु यूनाइटेड आ सकते हैं आई लीग में चांसेस मुझे काफी हाई दिखाई दे रहे की बेंगलुरु एफ सी आई लीग ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली क्लब्स चाहिए दो क्लब इनको भी वही आई लीग के सेकेंड डिविजन का क्वालिफायर खेल के फर्स्ट डिविजन में आना पड़ेगा वरना अगर वो लोग क्वालिफाई

ओपिनियन लग सकते उनको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे लगता है कि इतना हेट देना अच्छा बात नहीं है किसी भी ए, उस लेवल के कोच को क्योंकि वो उनका पर्सनल ओपिनियन है मैं भी तो ग्रेट प्लेयर मानता हूँ बहुत लोग मानते हैं इंडिया में उनका ओपिनियन अलग है सो रेस्पेक्ट देट ओपिनियन एंड सेटल दैट मैटर क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे फालतू का कॉन्ट्रोवर्सी और हेट दे कुछ होगा उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है सो so, बोला है बस तुम कर देना ही अच्छा बात होगा सो so, बस गाइस आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है की वो विकोना ने कीबो विकोना ने जो सुनी छत्ती के बारे में बोला वो सही बोला या गलत और कमेंट करके बताइए सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन बाय